हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू चैनल पर। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एसर्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना बताऊंगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, बीच में स्किप मत करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। एसर्टिव सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना पड़ना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानने की एसर्टिव सेंटेंस क्या है। एसर्टिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य कहते हैं या साधारण कथन कहते हैं। यह अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का होता है। यानी एसर्टिव सेंटेंस इज इक्वल टू अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। यानी अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है वह भी एसर्टिव का ही काइंड है, और अगर निगेटिव है तो भी एसर्टिव का ही काइंड है। अर्थात एसर्टिव सेंटेंस का दो नेचर होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब मुझे इस एसर्टिव सेंटेंस को इन इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब आप जानते हैं, रूपांतरण, यानी रूप बदल जाना है, अर्थ नहीं बदलना है। ओके, तो आप देखें कि अगर आपका एसर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप उसे यदि इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। अर्थात निगेटिव बनाएंगे किंतु उसके साथ नॉट लगा देंगे। यानी इंट्रोगेटिव आपका विथ नॉट होगा, यानी नॉट के साथ होगा। ओके, तो यदि एसर्टिव अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। यदि आपका एसर्टिव निगेटिव सेंटेंस में है तो उसे जब इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो जाएगा। यह अफर्मेटिव मीन्स विदाउट नॉट, यानी नॉट इसमें नहीं लगेगा। ओके, हियर इज एन एग्जांपल फॉर यू। जस्ट सी द सन राइजेज इन द ईस्ट। सी हियर, ये आपका एसर्टिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। यानी इसका अर्थ है सूरज पूरब में निकलता है। आपको इसे इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको टेंस और इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो जब आप इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। यानी क्या सूरज पूरब में नहीं निकलता है? इट मीन्स निकलता है। ओके, तो ये देखिए एसर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है और जब इंट्रोगेटिव बनाया मैंने तो इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि एसर्टिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ओके, नाउ वी टेक एन अदर एग्जाम्पल। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। इन द वेस्ट, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। यानी सूरज पश्चिम में नहीं निकलता है, ये बात सत्य है। और हियर वी सी द एसर्टिव सेंटेंसेज इन निगेटिव। यहाँ पर ये निगेटिव में है, तो जब एसर्टिव सेंटेंस निगेटिव हो तो ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में हो जाता है, अर्थात नॉट हट जाता है। तो जब आपका इंट्रोगेटिव में आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बनेगा डज द सन राइज इन द वेस्ट। ओके, तो आपके समझ में आ गया होगा कि एसर्टिव अगर अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में ट्रांसफॉर्म होगा, और निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म होगा। नाउ वी टेक एन अदर टाइप ऑफ सेंटेंस। आपको कुछ ऐसे एसर्टिव सेंटेंस मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट के रूप में नोबडी, एवरीवन या एवरीबॉडी, ऑल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया होगा। यानी जब नोबडी, एवरीवन या एवरीबॉडी या आल का हम सब्जेक्ट के रूप में एसर्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं तो जब इंट्रोगेटिव में इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इंट्रोगेटिव में नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, आल को हटा करके उसके स्थान पर क्वेश्चन वर्ड हु का यूज कर देते हैं। ओके, तो आप इसे हटा देंगे। यानी नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, आल व्हेन आर यूज्ड एज सब्जेक्ट इन एसर्टिव सेंटेंसेस इन इंट्रोगेटिव बी यूज क्वेश्चन वर्ड एज सब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन वर्ड हु, जैसे एवरी वन लव्स हिज कंट्री, प्रत्येक अपने देश से प्रेम करता है। देखिए हियर वी हैव एवरी वन,
यहाँ पर एवरीवन को हम हटा देंगे, इसके स्थान पर हु लगा देंगे, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। ओके, ये असर्टिव सेंटेंस आपका था, इंट्रोगेटिव में हो गया। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, हु डज नॉट, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि अफर्मेटिव में है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नो बॉडी विल सपोर्ट चाइना। चाइना जो है COVID-19 का जनक है, इसलिए विश्व में कोई भी उसका समर्थन नहीं करता। तो नो बॉडी विल सपोर्ट चाइना, कोई चाइना का समर्थन नहीं करेगा, ये असर्टिव सेंटेंस है। ओके, और नो बॉडी खुद निगेटिव है तो इसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हु विल सपोर्ट चाइना, चाइना का कौन समर्थन करेगा। ओके, इसी तरह से आपके लिए एक दो एग्जाम्पल और है। द सन इज रेड, सपोज करिए आपको इसे इंट्रोगेटिव में बनाना है, तो देखिए ये असर्टिव है, ट्रांसफार्म आप करिए इसे। तो जब आप इंट्रोगेटिव में ट्रांसफार्म करेंगे तो आपकी ऑक्सिलरी पहले हो जाएगी, इसके बाद द सन, ठीक। इज द सन नॉट रेड, ये अफर्मेटिव में था असर्टिव, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा। ओके, इसी तरह ऑल हेट ए डिसऑनेस्टमैन, बेईमान से सभी लोग घृणा करते हैं, तो आप इसे दो तरह से बना सकते देख सकते हैं, हु डज नॉट हेट ए डिसऑनेस्ट मैन, आपस में हो जाएगा। इसको एक तरह से आप और चाहे तो बना सकते हैं क्या, हु, और इसके स्थान पर आप यूज कर सकते हैं लव्स, हु लव्स ए डिसऑनेस्ट मैन। तो हम यहाँ अपोजिट कर देंगे, डिसऑनेस्ट हेट का अपोजिट कर देंगे, तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इस पर आधारित आप एक्सरसाइज करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे जब ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित अगला वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन शीघ्र मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।